Hey guys, welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम पर्सनल एसे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसे एंड टाइप्स ऑफ एसे को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल एसे एक शॉर्ट वर्क होता है। पर्सनल एसे में राइटर अपने एक्सपीरियंसेस यानी कि अपने अनुभवों को बताते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ के किसी भी घटना से सीखा हो, या फिर राइटर किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पॉलिटिकल सोशल इशू के ऊपर पर्सनल एसे लिखते हैं। पर्सनल एसे में फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब राइटर पर्सनल एसे में अपनी लाइफ के किसी भी इवेंट के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है, यानी कि राइटर इन एसेज में अपने लिए आई का यूज करते हैं। इन पर्सनल एसेज में राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताते हुए रीडर्स को कोई ना कोई लेसन जरूर सिखाते हैं। हमें इन एसेज से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन एसे में बहुत ही ईमानदारी से बताते हैं। इन एसेज में राइटर सीन क्रिएट करते हैं जिसमें सेटिंग होती है। सेटिंग यानी कि वो लोकेशन या वो जगह जहाँ की स्टोरी राइटर हमें पर्सनल एसे में बता रहे हैं। इन एसेज में एक्शन, डायलॉग एंड हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो गाइस, ये पहला तरीका था पर्सनल एसे लिखने का, जिसमें राइटर अपने लाइफ के किसी इवेंट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं रीडर्स को सीख देते हुए। दूसरा तरीका पर्सनल एसे लिखने का ये है कि राइटर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना ओपिनियन या राय देते हैं। राइटर्स या तो पॉलिटिकल या सोशल इशू के बारे में अपनी राय देते हैं पर्सनल एसेज में, या फिर वो अपने इंटरेस्ट के कोई भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन देते हैं। इस टाइप के एसेज में राइटर पहले प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं एंड लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन यानी कि परिणाम। एंड राइटर इसमें ऐसा कंक्लूजन देते हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। राइटर जिस भी सोशल या पॉलिटिकल इशू को एसे में डिस्कस करते हैं वो उस पर्टिकुलर इशू की रियलिटी को भी बताते हैं और वो खुद उस टॉपिक पर क्या व्यूज रखते हैं उसे भी एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल एसे में राइटर को कोई भी पॉइंट प्रूफ नहीं करना पड़ता है। तो गाइस, इन दो तरीके से पर्सनल एसे लिखे जाते हैं। पहला, जिसमें राइटर अपने लाइफ के इवेंट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, एंड दूसरा जिसमें राइटर किसी भी सोशल या पॉलिटिकल इशू या अपने मनपसंद के कोई भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन या राय देता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यानी कि कौन कौन से टॉपिक पर पर्सनल एसे लिखे जा सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी टर्निंग पॉइंट आया है हम उस पर एसे लिख सकते हैं, या फिर हमारे लाइफ में आए मुश्किल वक्त के बारे में एसे लिख सकते हैं। किसी की डेथ, बीमारी या डाइवोर्स हो गया है तो उस पर भी हम पर्सनल एसे लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर पर्सनल एसेज लिखे जाते हैं, लेकिन जिस भी टॉपिक पर हम एसे लिख रहे हैं उससे रीडर को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलना चाहिए। यानी कि आप जिस भी इंसिडेंट पर पर्सनल एसे लिख रहे हैं वो सिर्फ एक स्टोरी की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ऐसा एसे होना चाहिए जिसे पढ़ने से कुछ ना कुछ सीख मिले। सो गाइस, ये था पर्सनल एसे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।